नमस्कार दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले। शिव जी ने पार्वती जी से पूछा कि आप 12 महीने के रास्ते से चलोगी या 6 महीने के रास्ते से। तो पार्वती जी बोली, मैं 12 महीने के रास्ते से चलूंगी। तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि संसार के लोगों के दुखों को देखकर आप कोई भी हट नहीं करोगी। पार्वती जी मान गईं। अब शिव जी पार्वती जी को लेकर चलते हैं, तो रास्ते में देखते हैं एक घोड़ी कष्टा रही थी। उसके बच्चा होने वाला था और वो दर्द में थी। तो उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी ने पूछा, ये घोड़ी क्यों कष्टा रही है? तो शिव जी कहते हैं कि ये माँ बनने वाली है। तब पार्वती जी बोली कि माँ बनने में इतना कष्ट है, तो आप मेरे तो गांठ लगा दो। शिव जी कहते हैं, अभी आगे चलो। तभी रास्ते में एक राजा का राज्य आता है। वहाँ दूर दूर तक शांति और उदासी फैली होती है। वो उदासी देखकर पार्वती जी पूछती हैं कि यहाँ सब उदास और शांत क्यों हैं? तब गांव के लोग कहते हैं, हमारे नगर की रानी माँ बनने वाली है और कष्ट में है, इसीलिए हमारे गांव में उदासी छाई है। तब पार्वती जी फिर शिव जी से कहती हैं कि माँ बनने में इतना कष्ट है, तो आप मेरे गांठ लगा दो। वो शिव जी के पीछे पड़ जाती हैं, पर शिव जी उन्हें ये कहकर आगे बढ़ जाते हैं कि यदि एक बार गांठ लग गई तो दोबारा नहीं खुल सकती। अब जब वो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि रास्ते में एक गाय कष्टा रही थी। उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी फिर बोली, माँ बनने में इतना कष्ट है, तो आप मेरे तो गांठ ही लगा दो। पार्वती जी हट करने लगी, तो शिव जी ने पार्वती जी के गांठ लगा दी। अब वो दोनों आगे बढ़े। इस प्रकार चलते चलते वो दोनों पार्वती जी के पीहर पहुँचते हैं। वहाँ सब उनकी खूब आवभगत करते हैं, खूब पकवान बनाए जाते हैं। पर शिव जी जो भी खाना बना होता है वो सब खाना खा जाते हैं। अब पार्वती जी क्या खाएं? तो वे बथुए की साग खाकर पानी पी लेती हैं। दोपहर में जब वो दोनों विश्राम करते हैं, तो शिव जी पार्वती जी से पूछते हैं कि आपने क्या खाया? तो पार्वती जी कहती हैं, जो आपने खाया वही मैंने खाया। पार्वती जी के सोने पर शिव जी उनके पेट की नाभि की ढकनी खोलकर देखते हैं कि पार्वती जी ने क्या खाया। तो उनके पेट में बथुए का साग और पानी दिखता है। पार्वती जी के जागने के बाद शिव जी उनसे कहते हैं, आपने हमसे झूठ बोला था, आपने तो बथुआ और पानी पिया है। तब पार्वती जी उनसे हट करती हैं कि आज के बाद कोई भी किसी भी महिला की ढकनी खोलकर नहीं देखेगा, अर्थात आज के बाद कोई भी किसी भी महिला के पेट में नहीं देख सकेगा, क्योंकि किसी भी महिला के पेट में उसके ससुराल और पीहर की लाज होती है। आप वचन दें। तब शिव जी को वचन देना पड़ता है। उसके बाद से अब तक किसी की भी ढकनी नहीं खुलती है। अब वो दोनों वापस कैलाश पर्वत की ओर निकलते हैं, तो रास्ते में गाय अपने बछड़े को चाटती हुई मिलती है और खूब खुश दिखाई देती है। ये देखकर पार्वती जी शिव जी से अपनी गांठ खोलने को कहती हैं। तो शिव जी कहते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था कि गांठ मत लगवाओ, लेकिन आपने तो जिद पकड़ ली। अब वो दोनों आगे बढ़ते हैं, तो राजा के गांव में खूब ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, मिठाइयां बांटी जा रही होती हैं, लोग खूब नाच गा रहे होते हैं और खुशियां मना रहे होते हैं। पार्वती जी लोगों से पूछती हैं, यहाँ क्या हुआ? तो सब बताते हैं, नगर की रानी के यहाँ बेटा होने की खुशी का जश्न मनाया जा रहा है। इसी तरह वो आगे चलते हैं, तो उन्हें घोड़ी भी अपने बच्चे के साथ खूब खुश दिखाई देती है। ये देखकर पार्वती जी फिर शिव जी से गांठ खोलने की जिद करने लगती हैं। तो शिव जी कहते हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था
गांठ मत लगवाओ। यहाँ मृत्यु लोक में हर चीज आपको लुभाएगी, परंतु आप नहीं मानी, आपने जिद पकड़ ली। पार्वती जी के फिर हट करने पर शिव जी पार्वती जी की गांठ खोल देते हैं और वो दोनों कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं। हे भगवान शंकर, जैसे पहले माता पार्वती के गांठ लगाई, किसी पर भी गांठ मत लगाना, और जैसे बाद में पार्वती जी की गांठ खुली, वैसे इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सभी को अमर सुहाग देना।